दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का कोई भी पुरुष क्रिकेटर विदेशी लीग में बिना रिटायरमेंट लिए नहीं खेल सकता, लेकिन महिलाओं के साथ ये बात नहीं है। महिलाओं ने अपना परचम लहराया है विदेश में तमाम तरह की लीग खेलते हुए, चाहे वो बिग बैश लीग हो या द 100 लीग हो। इन लीगों में आपने हरमनप्रीत सिंह को चौके छक्के लगाते हुए देखा होगा, स्मृति मंधाना को बड़े बड़े शॉट लगाते हुए देखा होगा, जेमिमा रॉड्रिक्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, इन सबको खेलते हुए आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन अब एक महिला, भारतीय महिला खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है। महिला है श्रेयंका पाटिल। श्रेयंका पाटिल जो आरसीबी की तरफ से खेलती रही हैं विमेंस प्रीमियर लीग में, और पिछले दिनों एमर्जिंग एशिया कप में भी वो चमकी थी, और वो गयाना अमेजन वॉरियर्स की ओर से चुनी गई हैं। वो पहली भारतीय महिला है जो कैरेबियन प्रीमियर लीग, विमेंस की जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है उसके लिए उनका चयन हुआ है, और गयाना अमेजन वॉरियर्स की ओर से वो खेलती हुई दिखाई देंगी। हम आपको याद दिला दें कि हांगकांग में एमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी, यानी टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी, और इंडिया ए से खेलते हुए उन्होंने 9 विकेट चटकाए थे 2 कंप्लीटेड मैचों में। ये खिलाड़ी बेसिकली ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती हैं और साथ ही 8वें नंबर पर बल्लेबाजी भी करती हैं, यानी लोअर ऑर्डर में एक उपयोगी बल्लेबाज भी हैं, लेकिन मूलतः इनका जो काम है वो है ऑफ स्पिन गेंदबाजी, और इनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी यानी कलाइयों की फनकार है। और अब इसका फ़ायदा गयाना अमेजन वॉरियर्स को कितना मिल पाता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग में चयन होने के साथ उन्होंने पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया इस प्रतियोगिता के लिए चुने जाकर। इनको चुन लिया गया है और अब उम्मीद करनी चाहिए कि इनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से ऐसे ही जलवे देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।